दिल्ली के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े बदलाव करने जा रही है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए स्टेशन को नया, आधुनिक और ढेरों यात्रियों सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। अगले 4 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की जिम्मेदारी रेलवे उपक्रम RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRSDC यानी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर है। बीडिंग और प्राइवेट प्लेयर चुनने से पहले पिछले सितंबर 2020 में प्री बिड मीटिंग भी आयोजित की थी, जिसमें GMR, अडानी, JKB इंफ्रा, अर्बियन कंस्ट्रक्शन कंपनी और एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सरी के फर्मों ने हिस्सा लिया था और दिलचस्पी भी जताई थी। अब आपको बताते हैं कि 4 साल बाद ये रेलवे स्टेशन कैसा दिखेगा, कैसा होगा स्टेशन के भीतर का नज़ारा। नए रेलवे स्टेशन के भीतर का नज़ारा कुछ उसी तरह होगा जैसे आप एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद देखते हैं, यानी यात्रियों के लिए लाउंज होंगे, फूड कोर्ट होंगे, रेस्टरूम होंगे, रिटेल शॉपिंग एरिया होगा। ये सभी कुछ एक छत के नीचे होगा जो प्लेटफॉर्म के तल से ऊपर के तल पर होगा। यहाँ यात्रियों के लिए प्रतीक्षा करने, आराम करने और उनके मनोरंजन संबंधी सुविधाएं मौजूद होंगी। बदल जाएगा आने जाने का तरीका। स्टेशन पर प्रत्येक यात्री की एंट्री और एग्जिट टाइम उसके यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर ऑटोमेटिक तरीके से नोट हो जाएगा। इस आधार पर यात्रियों के आने और जाने को सेट किया जा सकेगा। नए स्टेशन को कनॉट प्लेस से मुख्य 6 लेन सड़क मार्ग के अलावा एक ऐसी पैदल सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा जिस पर सिर्फ पैदल यात्री ही चल सकेंगे और इस पूरे रास्ते में दाईं और बाईं ओर शॉपिंग सेंटर्स, शोरूम या दुकानें होंगी। ये रास्ता मौजूदा स्टेट एंट्री रोड के पास बनेगा। पूरा प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ का। स्टेशन और उससे जुड़े इलाकों की रीडेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि इस इलाके से जुड़े व्यवसायिक डेवलपमेंट में करीब 1,200 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे। RLDA ये पैसा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए जुटाएगा। खत्म हो जाएगा CP का जाम। कार या अन्य संसाधनों से स्टेशन तक पहुँचने और स्टेशन से निकलने के लिए कई एलिवेटेड सड़कों का जाल होगा। इन सड़कों से सभी दिशाओं से आने जाने वाले ट्रैफिक को रास्ता दिया जाएगा। व्यवस्था ऐसी होगी कि जिन यात्रियों को कनॉट प्लेस नहीं जाना, उनकी गाड़ियां स्टेशन आने जाने के लिए कनॉट प्लेस के इनर या आउटर सर्कल पर मजबूरी वश नहीं जाने पाएगी। मेट्रो और पार्किंग की सुविधा। नए स्टेशन के लिए 5,000 कारों को खड़ा करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग होगी। नया स्टेशन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तरह काम करेगा जो दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।